आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इस रैट ट्रैप को, जो कि बहुत डेंजरस होता है, इसमें आपका कई बार हाथ भी कट जाता है। मैंने भी इसको कई बार लोड करने की कोशिश किया, मुझे भी इसमें बहुत मामूली सी कुछ चोटें लगी हैं। लेकिन अगर आप एज में छोटे हैं, आपको ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ये जो इसके नुकीले कोने हैं ना, आपके इस फिंगर्स में इस तरह से लग जाते हैं और यहाँ पे आके ब्लड भी निकाल देते हैं आपको। ये जनरली जो ये ट्रैप होता है, ये चूहे को मारने के लिए होता है। ध्यान रखिए, अगर आप किसी ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जिसमें कि किसी एनिमल को मारना अच्छा नहीं होता, जैसे खासतौर से जैनिज्म में लोग नहीं पसंद करते, तो आप इस तरह के रैट ट्रैप परचेज ना करें। अगर आपको किसी भी एनिमल को मारने का मूड नहीं है, तो आप ये वाले रैट ट्रैप परचेज ना करें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको मॉडिफाई कैसे करना है। इसको मॉडिफाई करना क्यों है, पहले तो मॉडिफाई इसलिए करना है इसको क्योंकि लोड करते टाइम में ये आपको चोट लग जाती है, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है। देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पीस हमें अलग मिलता है, ठीक है। मैं पहले इसको डिसमेंटल करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने सारे तरफ से पेंट कर दिया जिससे कि कल को ये गीला हो जाए या हम इसको वॉश करें तो ये ख़राब ना हो जाए। इस चीज़ को ना आपको बाहर कर लेना है, ये वाली चीज़ को आप इसको पीछे को धकेलेंगे, इसको पीछे को ऐसे धकेलेंगे तो ये चीज़ खुल जाएगी ना, ये वाली चीज़ थोड़ी ओपन हो जाएगी, तब आप इसको इस पीस को बाहर कर लीजिए, ठीक है। इसमें जनरली हम यहाँ पे रोटी फंसाते हैं, रोटी को गर्म करके अच्छी तरह से उसको ठंडा करके एक पेड़ा छोटा सा बनाया जाता है जो इसके अंदर हम फंसा देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये छोटे चूहे जो हैं, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल रैट्स, स्मॉल माइस। जो छोटे छोटे चूहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो आराम से इसमें से रोटी निकाल के निकल जाता है। अच्छा देखो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ईजी है, मेरे को एक बार मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको दिखाने के लिए पूरा का पूरा ओपन कर दिया है। मार्केट में इस तरह से आपको ट्रैप मिलता है। मैंने क्या किया देखो फ्रेंड्स, एक ये वुडन ब्लॉक लिया, इससे थोड़ा सा बड़ा वुडन ब्लॉक कोई भी आपको किसी भी कारपेंटर के पास में मिल जाएगा, बहुत सस्ता मिल जाता है। ये मुश्किल से 20-50 रुपीज़ में आपको ये कारपेंटर इस तरह का आपको दे देता है। ये मार्केट में 200 रुपये तक की, 100 रुपये की, 200 रुपये तक की आपको ये जो रैट ट्रैप है मिल जाता है। ध्यान रखिए, मैं दोबारा बताऊंगा फ्रेंड्स, ये रैट किलर है, दिस इज़ नॉट ए रैट ट्रैप, दिस इज़ ए रैट किलर मशीन। सो बी अवेयर, ये बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। आप बच्चे हैं तो इसको बिल्कुल ना करें। आप अच्छी तरह से अवेयर हैं, पूरे होश में हैं, तभी इस प्रोजेक्ट को करें। इस प्रोजेक्ट में करते टाइम हाथ कटने का भी डर रहता है, तो बहुत केयरफुली करें। मैं आपको सारी इसमें प्रिकॉशंस भी बताता जा रहा हूँ। ये जो नेल्स होते हैं ना, इनको सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू कहते हैं। देखो ये बहुत डेंजरस होते हैं, इनको हाथ में पकड़ते ही ये हाथ में लगने का खतरा रहता है, तो इनको बहुत आराम से अपने बहुत अच्छे से हैंडल करना है। देखो सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू होता है ना, ये क्या करता है, ये इसको वुड में डालना बहुत इजी होता है। आपको बस खाली वुड पे ना इसको टच कर देते हैं हम इस तरह से, ये देखो इस तरह से खाली टच कर देते हैं, उसके बाद में हम स्क्रू को घुमाते हैं ऊपर से, बहुत बहुत इजीली स्क्रू अंदर चला जाता है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें मुझे कोई ड्रिल मशीन की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्किल, यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ड्रिल मशीन फॉर दिस। आपको किसी ड्रिल मशीन की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ ड्रिलिंग होता है, दैट्स वाई द नेम इज सेल्फ ड्रिलिंग। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको ऐसे रख के और कहीं चले जाते हैं अपने बेड पर, तो आपको बहुत तेज लगेगा और आपको सेप्टिसीमिया हो सकता है, आपको किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ये स्क्रू देखने में जितने अच्छे हैं, जितने बढ़िया हैं, उतने डेंजरस भी हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत देखो इसका नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। देखो बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, और आप इसको स्टील में भी ले सकते हो, स्टील मीन्स स्टेनलेस स्टील के भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये कहाँ से परचेज करना है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा आपको कि आपको कहाँ से खरीदना है। देखो ये अभी तो मैं होल्ड कर चुका हूँ ना, तो अभी तो बहुत ईजीली जाएगा, लेकिन ये एक इतना ईजी है कि कोई मतलब मैं बच्चा तो वर्ड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बच्चों के लिए मॉडल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये इतना ईजी होता है कि इसे एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कितना ईजिली वुड के अंदर चले जाते हैं, बहुत ईजिली चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको वाई यू नीड टू मॉडिफाई दिस, आपको मॉडिफाई क्यों करना है, क्योंकि दोबारा बताता हूँ, इससे आपका हाथ कट जाता है, आपके हाथ में चोट लग जाती है इसी वजह से। और कितने जल्दी ये काम हो जाता है, इस पर आप एक स्प्रे कर लीजिए, जो आपको स्प्रे के जो केन मिलते हैं ना मार्केट में, आप उससे इस पूरे इसको
जब ये पूरा बन जाएगा ना तो मैं इस पूरे रैट ट्रैप के ऊपर भी स्प्रे करूंगा। क्यों? क्योंकि जंग लगने से बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने असिस्टेंट से बोला मार्केट से स्प्रे लाओ, तो उसके बाद हम इसको स्प्रे कर देंगे। देखो कितना ईजी है। और मैं कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ आप ये भी ध्यान देना, यहाँ आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं लगाना है जहाँ मैं लगा रहा हूँ स्क्रू। आप कहीं इधर उधर मत लगाना। कुछ इनर्शिया का हिसाब होता है, कुछ इसमें मतलब कहाँ से लोड अच्छा लेगा, कहाँ पे इसका आपको लगाने से आपको बेनिफिट मिलेगा, वो सारे पॉइंट्स मैंने देख लिए हैं। आपको यहीं लगाना है जहाँ मैं लगा रहा हूँ। कितने पॉइंट्स पे लगाया मैंने, उतने ही पॉइंट्स पे आपने भी लगाना है इसको। तो इसके बाद आपका ये रेड ट्रैप पूरा रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं थोड़ा वीडियो पॉज करके इसे पूरा लगा के आपको फिर दिखाता हूँ वीडियो चालू करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने स्क्रू तो पूरा अच्छे से कर लिया और इतना सॉलिड ये अच्छी तरह से लग चुका है कि अब एक्सीडेंटली आपके ऊपर चोट लगने का खतरा नहीं है। होता क्या था फ्रेंड्स, जब मैं इसको लोड करता था ना, तो ये जो दांते थे, इसके जो दांत हैं, आप देखो कितने शार्प टीथ हैं, है ना फ्रेंड्स। होता क्या था, ये मेरे ऊपर हाथ पर पलट के लग जाते थे, तो इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आती थी। इसके आगे मैंने यहाँ पे भी एक छोटा सा कट बनाया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जिससे कि ये होल्ड हो जाए। पर आप इस कट को बहुत गहरा मत बनाना, उतना ही बनाना जितना मैंने बनाया। ये आरी से घिस के बनाना चाहिए, अदरवाइज आपको चोट लग जाएगी। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। मैंने जूम आउट कर दिया है, जो मैंने एक बहुत छोटा सा, आप किसी प्लास से दबा सकते हैं, किसी प्लायर से दबा सकते हैं, किसी भी आप इसको किसी भी नोकीली चीज़ से आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कट बन जाएगा, जो कट इसमें बाद में होल्ड हो जाएगा, यहाँ पे इसमें होल्ड हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा नहीं। मैं अभी आपको लोड करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको वापस लगाने जा रहा हूँ, इस क्लैंप को अंदर, इसको मैं देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अंदर लगाने के बाद में ना, अब इसको मैं ऐसे वापस अंदर को दबा देता हूँ। इस वाले को मैंने यहाँ पुश कर दिया और इस वाले को यहाँ पुश कर दिया। अब ये निकलेगा नहीं बाहर, देखो ये ठीक हो गया ना। यहाँ पे हम रोटी का टुकड़ा लगाएंगे तो अब ये बहुत डेंजरस पोजीशन में आ चुका है। इस समय आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है इसे। देखिए मैं लोड कर चुका हूँ, पूरी तरह से इसको लोडिंग कर चुका हूँ। इसके बाद आपको इसके नज़दीक फिंगर्स नहीं लाना है, आपकी फिंगर कट जाएगी, आपकी फिंगर पूरी तरह कट सकती है, ध्यान रखिए, सर्जरी से ठीक होएगी बाद में। तो बहुत डेंजरस प्रोजेक्ट है मैं इसलिए आपको बोलूँगा, छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर मैं अभी गलती से यहाँ पे अपनी फिंगर ले आता हूँ ना, मैं नहीं लाऊंगा, अगर मैं यहाँ लाके इसको टच कर दूँ इस वाले चीज़ को, तो 99% मेरी फिंगर कटेगी। तो इसलिए बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको आप परचेज करने से पहले ध्यान रख लीजिए, आपको चोट लग सकती। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत एक डेमो देने जा रहा हूँ, जो कि जिससे कि आपको इसकी खतरे का पता लगेगा कितनी खतरनाक चीज़ है। देखिए मैं पेन यहाँ लाता हूँ और यहाँ पे इससे छेड़छाड़ करूँगा इस वाली पत्ती के साथ में, बहुत केयरफुली देखना क्या होता है। देखिए इसने मेरे पेन को तोड़ दिया, आप देखिए पेन को तोड़ दिया, ये देखिए ध्यान से। पूरा पेन क्रश कर दिया है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, ये देखिए इसी तरह आपकी उंगली के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल, डू नॉट प्ले विद दिस डिवाइस, प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट प्ले, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, डू नॉट प्ले विद दिस थिंग, दिस इज़ नॉट अ टॉय। आप इसको परचेज करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, आप बहुत एक्सपर्ट हैं तभी इसको चला सकते हैं, अदरवाइज लोग इससे चोट खा बैठते हैं। आप पहले पेन का हाल देख लीजिए क्या कर दिया। अभी पेन निकल भी नहीं रहा है, इतना टाइट इसमें फंस गया, निकल भी नहीं रहा है, इसी तरह से इसमें चूहा मर जाता है। दोस्तों इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेना अच्छा रहता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। इसको लोड कैसे करते हैं ये भी एक बहुत ही कलाकारी वाली चीज़ है, दिस इज़ ए आर्ट। आप इसको लोड कैसे करेंगे, एक कला है इसको लोड करना, हर एक आदमी के बस का नहीं होता इसको लोड लोग करते हुए। जो भी लोग इसको लोड करते हैं अपना हाथ कटवा बैठते हैं, मैनी पीपल लूज देयर फिंगर्स वाई लोडिंग दिस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डेंजरस मशीन। आई एम शोइंग यू हाउ टू लोड दिस, मैं आपको समझाता हूँ इसे कैसे लोड किया जाता है। देखिए बहुत केयरफुली ध्यान आपको ध्यान से चलना है, हाथ कटने का पूरा पूरा डर होता है, इसको यहाँ पे करना है, उसके बाद में इस वाली चीज़ को यहाँ फंसा लेना है। देखो ये मैंने अच्छी तरह पकड़ लिया ना इसको यहाँ पे स्प्रिंग को, इसके बाद में ये वाली जो वायर है इसको अपने हाथ से ऐसे दबा के आपको यहाँ इस कट के अंदर फंसा देना है। और जब आप इसको अपने हाथ को हटाएंगे ना फ्रेंड्स, अच्छी तरह समझ लेना मेरी बात को, जब आप यहाँ से अपने हाथ को हटाने जा रहे हैं, ठीक है,
वो इतना तेजी से अपने हाथ हटाना है कि अदरवाइज आपको चोट लग जाएगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये देखिए बहुत तेजी से मैंने इतना स्पीड से अपने हाथ को हटा लिया है कि अगर मैं थोड़ी सी भी डिले करता और ये बंद हो जाता तो फ्रेंड्स 99% मेरी फिंगर कट जाती। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, जितना ये अच्छी डिवाइस है उतनी बुरी डिवाइस भी है, तो और बहुत डेंजरस डिवाइस भी है। मैं आपको इसका एक बार और डेमो दिखा देता हूँ कि पेन के साथ क्या हुआ आप देख सकते हो। अब दोबारा इसका डेमो दिखाता हूँ, देखिए क्या हुआ इस पेन के साथ में। दोस्तों मेरा पेन की पूरी ऐसी कम तैसी हो चुकी है, ये देखिए और इसका क्या हाल हो गया आप देखिए। मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आपको इसके फायदे नुकसान दोनों पता लग गए होंगे इस मशीन के क्या हैं। और प्लीज बी केयरफुल, आप इसको बहुत ध्यान से चलाइए। बच्चों के हाथ में मशीन कभी मत दीजिए। बहुत अच्छी तरह आप होशो हवास में हैं, आप ड्रिंक करके भी नहीं हो, आप किसी मेडिसिन को खा के भी नहीं बैठे हैं। कई बार ऐसी हमारी कुछ मेडिसिन हैं जिनके हमको नशा हो जाता है। मैं इस वक्त मेरी उंगली बच गई है तभी मैं आपको समझा रहा हूँ। लोग ये परचेज कर लेते हैं, इसका फ़ायदे देखते हैं, नुकसान नहीं मालूम होता। दोस्तों आपको कुछ इसके बारे में और भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। तो और मैं आपको इसे ऑटोमेटिक लोडर बनाऊंगा जिससे कि इंसान की उंगली कटने का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक पीछे खींचेगा उसको, एक इसको धागा लगा होगा, थ्रेड लगा होगा जो इसको पीछे खींचेगा और इसको लोड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बने रहिए चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।